नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे। बात चारा घोटाले की। दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में आज फैसला नहीं सुनाया गया, जिसे फिलहाल टाल दिया गया है। दुमका कोषागार से जुड़े इस 3.76 करोड़ की निकासी के मामले में लालू जगन्नाथ मिश्र समेत 31 आरोपी ट्रायल फेस कर रहे हैं। दरअसल लालू प्रसाद की तरफ से सीबीआई कोर्ट में आवेदन देकर इस केस में बिहार के तत्कालीन एजी को आरोपी बनाए जाने की मांग की गई थी, जिस पर कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत ने तत्कालीन एजी पी के मुखोपाध्याय, डिप्टी एजी बी एन झा, एजी ऑफिस के सीनियर अकाउंट ऑफिसर प्रमोद झा को अभियुक्त बनाया और इनके खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। से मांग किया था, रिक्वेस्ट किया था कि तत्कालीन एजी को B319 में समन करके एक्यूज्ड बनाया जाए। जो आज ऑर्डर के लिए रखा गया था उस पिटीशन में आदेश हो गया है। हम लोग के पक्ष में निर्णय आया है, तत्कालीन एजी का रोल डाउटफुल है, यही करके पिटीशन किया गया। और हम लोग को डायरेक्शन दिया गया है, जो भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है उनसे जो वांटेड पर्सन है उनके खिलाफ प्रॉपर सैंक्शन लेके विद इन वन मंथ हम लोग न्यायालय में जमा करेंगे और उनका रिकॉर्ड स्प्लिटअप कर दिया गया है, जो 319 का रिकॉर्ड है उसके साथ में। तो दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू यादव पर आज सजा का ऐलान नहीं हुआ है। कल लालू यादव पर फैसला हो सकता है, सजा का ऐलान हो सकता है। लेकिन वहीं इन सबके बीच चारा घोटाले में तत्कालीन एजीपी के मुखोपाध्याय भी अभियुक्त बनाए गए हैं। लालू की तरफ से आवेदन दिया गया था, जिसके बाद इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई और आज उन्हें भी अभियुक्त इस मामले में बनाया गया है। चारा घोटाले में कुल कितने मामले हैं और लालू यादव को किन किन मामलों में सजा हुई है, ये आप इन ग्राफिक्स के जरिए समझ सकते हैं। चारा का चक्रव्यूह कुछ ऐसा है, जिसमें लालू यादव लगातार फंसते चले जा रहे हैं। चारा घोटाला के मामले में कई जगहों से अवैध निकासी की गई थी और इस अवैध निकासी के मामले में लालू यादव को पहले ही दो मामलों में सजा का ऐलान हो चुका है, जिसमें वो फिलहाल जेल में है। रांची के होटवार जेल में बंद है, जबकि दुमका ट्रेजरी का मामला क्या है ये आपको हम बता रहे हैं। 22 वर्षों तक सीबीआई कोर्ट में मामला चला है। 49 आरोपियों में 3 सरकारी गवाह बन गए हैं, जबकि एक का निधन हो गया है। ट्रायल के दौरान 14 आरोपियों का निधन हो चुका है। 200 गवाहों को कोर्ट में अब तक पेश किया जा चुका है। आरोपियों में पूर्व सांसद डॉक्टर आर के राणा, विद्यासागर निषाद, ध्रुव भगत और जगदीश शर्मा भी शामिल हैं। और इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए जी मीडिया संवाददाता कामरान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। कामरान, लालू यादव पर फैसला भले ही कल आना हो, लेकिन तत्कालीन एजी पी के मुखोपाध्याय की मुश्किलें जरूर बढ़ गई हैं। आप जी, जाहिर सी बात है, लालू यादव के दायर पिटीशन के बाद जो तत्कालीन एजी हैं उनकी मुश्किलें बढ़ गई। उनके साथ और दो सहयोगी की मुश्किलें बढ़ गई, क्योंकि कल फैसले की तिथि निर्धारित थी, जिसके बाद लालू यादव ने पिटीशन दायर किया गया था। लालू यादव की तरफ से पिटीशन दायर किया गया था और इन तीनों को आरोपी बनाने की मांग की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए आज कोर्ट ने इस पिटीशन को एक्सेप्ट कर लिया है और तीनों पर समन जारी करने के आदेश दे दिए हैं। तो जाहिर तौर पर लालू यादव के पिटीशन के एक्सेप्टेंस के बाद तीनों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जी धन्यवाद आपका कामरान इस जानकारी के लिए। तो लालू यादव पर फैसला कराना है, कल उन पर सजा का ऐलान हो सकता है, कल फैसला आ सकता है उन पर। वहीं दूसरी ओर लालू यादव की ओर से जो आवेदन दिया गया था उस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने तत्कालीन एजी को भी अब इस मामले में अभियुक्त बनाया है। और चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सजा काट रहे लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है। अब 23 मार्च को इस पर सुनवाई होगी। आपको बता रहे कि न्यायाधीश एके सिंह की अदालत में लालू यादव की याचिका सूचीबद्ध थी, लेकिन इस पर सुनवाई अगली तारीख तक टल गई है। चाईबासा कोषागार मामले में लालू यादव को सीबीआई कोर्ट की तरफ से 5 साल की सजा सुनाई गई है। वहीं देवघर ट्रेजरी मामले में लालू को 3.5 साल की सजा सुनाई गई है। इस मामले में लालू यादव होटवार जेल में सजा काट रहे हैं। आज जब हाईकोर्ट में लालू से जुड़ी याचिका की सुनवाई हुई तो सीबीआई ने कोर्ट से 1 हफ्ते का समय मांगा। आज उसकी सुनवाई हुई और हम लोग जब बहस शुरू किए तो सीबीआई की तरफ से जो वकील साहब थे उन्होंने कहा कि हम मेरिट पर इसमें तैयार नहीं है, इसलिए कि हमको एक समय दिया जाए, और हम लोग उसको अपोज किए, पर कोर्ट ने उन्हें 1 हफ्ता का टाइम दिया है और डायरेक्शन दिया है कि अगले फ्राइडे को जो है आप मेरिट पर तैयार होके आइएगा। हम तो जेल के अंदर हैं, हमारे क्लाइंट जो हैं, अब 1-1 हफ्ता करके जो है हमको जेल का जो पीरियड बढ़ाते चला जा रहा है। अब उन लोग जानबूझ के इस तरह से कर रहे हैं या कर तो वही अच्छी तरह से बता पाएंगे, पर हम तो जेल के अंदर ही हैं।
आज होटवार जेल में लालू से मुलाकात का दिन था। झारखंड में विपक्ष के नेता हेमंत सोरेन ने आज लालू से मुलाकात की। वहीं आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी भी लालू से होटवार जेल में मिली। जेल मैनुअल के मुताबिक आज मुलाकात का दिन था। वहीं लालू की एक झलक पाने के लिए होटवार जेल के बाहर समर्थक भी जुटे। इसे लेकर खास व्यवस्था की गई थी। लालू से मुलाकात कर बाहर निकलने के बाद हेमंत सोरेन ने कहा कि लालू जी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हालचाल लेने आए थे। साथ ही बिहार उपचुनाव में आरजेडी की जीत पर हेमंत ने कहा कि झारखंड में बीजेपी को उधेड़ने की असीम संभावना है, इसमें जेएमएम अहम भूमिका अदा करेगी। आदरणीय लालू जी झारखंड के इस जेल में हैं और हम लोग से चार मुलाकात करते रहते हैं और कुछ राजनीतिक गतिविधियां भी होती है, उस पर चर्चा करते हैं। क्या दूसरी बार आए इसलिए? बहुत उसे खास नहीं, जस्ट एक शिष्टाचार मुलाकात। दिल्ली में बैठक भी हुई थी यूपीओ की, उसको वो उनको भी मालूम है, उनके प्रतिनिधि भी गए थे, तो बेहतर वो बता देंगे उनको। अच्छा, उपचुनाव में जिस तरह से जीत हुई बिहार में, उसको लेकर फिर झारखंड में कुछ रणनीति बनाने को लेकर चर्चा हुई किस तरह से? देखिए, यहाँ तो बिल्कुल असीम संभावनाएं हैं बीजेपी को खदेड़ने के लिए और उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा मुख्य भूमिका में है और आदरणीय लालू जी का मार्गदर्शन है। कुछ और खास बातें हुई लालू जी से? नहीं, बिल्कुल थोड़ा सेहत तबीयत ठीक नहीं थी, जो हमें जानकारी मिली थी उसको लेके हम लोग देखने आए थे। बिल्कुल, ये हेमंत सोरेन थे जो बता रहे थे कि लालू प्रसाद यादव से मुलाकात कर क्या कुछ उनसे बातें हुई। कैमरन विशाल के साथ सनी सारा, जी मीडिया, रांची। होटवार जेल में बंद लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने आने वाले लोग हर दिन तरह तरह की चीजें लेकर पहुंचते हैं। आज आरजेडी युवा के प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह लालू के लिए कुर्सी लेकर पहुंचे। उनका कहना था कि लालू जी को पाइल्स की बीमारी है और डॉक्टरों ने स्टीम बाथ लेने को कहा है, इसलिए ये स्टीम बाथ चेयर लेकर पहुंचे हैं। ये सीट स्टीम बाथ डॉक्टर द्वारा प्रेशराइज है कि जब राहत से मिलती है और इसी के लिए भेजा जा रहा है। तो क्या वो डिमांड की थी आप लोग? नहीं नहीं, अपने हम लोग अपने तरीके से, कोई डिमांड नहीं, डॉक्टर के सलाह पर। डॉक्टर के सलाह पे पाइल्स के लिए होता है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड होता है, क्योंकि यहाँ होगा नहीं सर के पास, तो हम लोग अपने तरीके से लेके आए हैं इसे, अपने तरीके से अपने लिए। अच्छा, वहाँ से कोई डिमांड नहीं था आप लोग? नहीं, डिमांड नहीं था, डिमांड नहीं था, पर सर को है प्रॉब्लम तो हम अपने इच्छा से हम लोग जो है, क्योंकि बहुत ही परेशानी वाली चीज है ये। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आज धनबाद के बरटांड में एशियन द्वारका दास जलान सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि धनबाद का सदर हॉस्पिटल जल्द से जल्द बनकर तैयार होगा। उन्होंने कहा कि 2022 तक स्वास्थ्य के क्षेत्र में झारखंड आत्मनिर्भर बनेगा। सीएम ने कहा कि डॉक्टरों की टीम की वजह से परेशानी जरूर हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि तीनों नए मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई इसी सेशन से शुरू हो जाएगी। इसके अलावा सरकार 6 नए नर्सिंग कॉलेज खोलने जा रही है ताकि झारखंड के बच्चियों को रोजगार दे सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में 57 लाख परिवारों को 5 लाख की स्वास्थ्य बीमा योजना दी जाएगी। सीएम ने इस मौके पर कोल माफिया और रंगदारों पर नकेल कसने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए। लेकिन इस हॉस्पिटल से खुलने से यहाँ के आसपास के लोगों को अब पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतनी अत्याधुनिक सुसज्जित हॉस्पिटल आज धनबाद के प्रांगण में खुल चुकी है। कानून का शासन इस राज्य में चले तो ऐसी शक्तियां जो दूसरे राज्य से आकर हमारे यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था को खराब करना चाहते, तो मैं धनबाद के समस्त लोग से अपील करूंगा कि कानून का पालन करें। अच्छा नागरिक वही कहलाता है जो कानून का पालन करे।
राज्यसभा चुनाव में झारखंड विकास मोर्चा कांग्रेस समर्थित धीरज साहू को अपना समर्थन देगी। जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने धनबाद में ये बात कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ कॉरपोरेट घरानों के लिए सोचती है, यहां के आदिवासियों, किसानों, मजदूरों की बात नहीं सोचती। इसलिए जेवीएम ने विपक्ष समर्थित उम्मीदवार को अपना समर्थन देने की घोषणा की है। साथ ही बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पत्थलगढ़ी आदिवासियों की पुरानी परंपरा है, गांवों के सीमांकन के लिए ये पहले से ही की जाती रही है। हमारी पार्टी का दो वोट उसको मिलेगा। कांग्रेस और जेएमएम ने मिलकर के धीरज साहू को बना दिया है प्रत्याशी। हमारी पार्टी का बिल्कुल स्पष्ट है, धीरज साहू को हमारा दो वोट पड़ेगा। हंगामे का शुक्रवार। जी हां, झारखंड से आज यही तस्वीर सामने आई। कहीं दो गुटों के बीच मारपीट हुई तो कहीं पानी को लेकर बवाल देखने को मिला। इस रिपोर्ट को देखिए। हंगामे का शुक्रवार, रांची में दो गुटों के बीच मारपीट, रांची में पानी को लेकर बवाल, बोकारो में मौत के बाद हंगामा। तीन तस्वीर, हंगामा ही हंगामा। रांची के लोहरा कोचा में दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। तस्वीर देखी, मारपीट के दौरान जमकर लाठी डंडे चले। इस मारपीट में महिलाएं भी पीछे नहीं रही, यहां कोई झुकने को तैयार नहीं था। बोकारो में नवजात की मौत पर हंगामा। चास के सिटी केयर नामक हॉस्पिटल में लोगों ने जमकर हंगामा किया। नवजात की मौत पर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स पर परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया। एक नवजात शिशु का, चार दिन का जो, वो 13 तारीख से यहाँ एडमिट था, जिस बच्चे को जॉन्डिस थी, मगर यहाँ डॉक्टर के लापरवाही के कारण, हॉस्पिटल के प्रबंधन के लापरवाही के कारण यहाँ कोई व्यवस्था नहीं था। बच्चे को वेंटिलेटर की आवश्यकता थी, मगर यह कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी। दरअसल चार दिन पहले एक सरकारी हॉस्पिटल में बच्चे का जन्म हुआ था। जन्म के बाद उसे पीलिया हो गया। बच्चे के परिजनों ने उसे चेकपोस्ट स्थित सिटी केयर हॉस्पिटल में एडमिट कराया। परिजनों का आरोप है कि इलाज के नाम पर चार दिन तक उस बच्चे को अस्पताल में रखा गया। बच्चे की हालत जब गंभीर हो गई तो हॉस्पिटल ने उसे रिलीज कर दिया। दूसरे अस्पताल में इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। रांची में पानी को लेकर आर पार। रांची में गर्मी शुरू होते ही पानी की किल्लत शुरू हो गई। ऐसे में लोगों को काफी परेशानी हो रही है। गुस्साए लोगों ने करबला चौक के पास एकजुट होकर पानी की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया। इसकी वजह से मौके पर लंबा जाम लग गया और घंटों तक लोग परेशान रहे। रांची से सन्नी शारद और कामरान जलीली के साथ मृत्युंजय मिश्रा, जी मीडिया, बोकारो। झारखंड में खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी के खेल को खत्म करने को लेकर राज्य सरकार ने एक अनूठी पहल की है। स्वास्थ्य विभाग ने शहर में फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स की शुरुआत की है। स्वास्थ्य विभाग की फूड सेफ्टी टीम ने मोबाइल सेफ्टी लैब के साथ शहर भ्रमण शुरू कर दिया है। राज्य सरकार ने राजधानी रांची की आवाम की सेहत को मद्देनजर रखते हुए फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स की शुरुआत की है, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति अपने खाद्य पदार्थों की जांच 20 रुपए का मामूली शुल्क देकर कर सकता है। मामले को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही फूड सेफ्टी टीम शहर के इलाकों में जाकर विभिन्न होटलों और फुटपाथ पर बेचे जाने वाले खाद्य पदार्थों का सैंपल ले रही है। विभिन्न चौक चौराहों पर जहां फास्ट फूड, मिठाई दुकान, चाहे और भी जो दुकानें हैं, उसमें जो खाद्य पदार्थ बिक रहे हैं, उसका हम लोग उससे कहते हैं कि आप नमूना का जांच करा ले, क्या बेच रहे हैं आप भी जाने, और प्रशासन भी इसमें अगर ज्यादा गलत काम हो रहा है तो उस पर कार्रवाई हो। टेस्ट लैब में विभिन्न जांच के उपकरण के माध्यम से खाद्य पदार्थों की जाँच की जा रही है और उसके शुद्ध या अशुद्ध होने का ऑन द स्पॉट नतीजा दिया जा रहा है। जो चलित प्रयोगशाला है, इसमें
अनेक खाद्य पदार्थों की स्पॉट टेस्टिंग और मिल्क फैट SNF वगैरह की जांच की जा सकती है। मौके पे इसकी जांच करके मौके पे इसका रिजल्ट दे दिया जाता है। एक्चुअली ये बहुत जरूरी है, बिकॉज हम लोग जो लोकल पीपल है, हम लोग देखते नहीं है, जो भी इंग्रेडिएंट्स मार्केट पे आते हैं उससे जो भी खाना बन जाता है हम लोग टेस्ट पे जाते हैं, बट क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और ये सर्वे होना चाहिए बीच बीच में, क्योंकि ये हेल्थ से रिलेटेड है और इन दिनों हेल्थ बहुत खराब है लोगों की, और मेजर रीजन है वो है वाटर और फूड, तो इस पे सर्वे होना एक अच्छी इनिशिएटिव की। बहरहाल मामले को लेकर लोगों को और जागरूक होने की जरूरत है, ताकि नकली सामान का इस्तेमाल करने वाले व्यापारियों के खिलाफ नकेल कसी जा सके और लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ ना हो। कामरान जलीली, जी मीडिया, रांची। देवघर के युवाओं ने पलायन को मात दी है। सारवा प्रखंड के दानीपुर गांव के पास युवाओं ने फूलों की खेती को बढ़ावा दिया है। इस खेती से 10 से 12 हजार रुपए महीने की कमाई हो रही है। यूं ही नहीं कहते, मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मुत। देवघर के युवाओं ने इस सोच को आगे बढ़ाया है। दानीपुर गांव के युवाओं ने करीब 3 एकड़ में फूलों की खेती की है। इससे न केवल रोजगार को नई दिशा मिली है, बल्कि 2 जून की रोटी के जुगाड़ के लिए पलायन की पीड़ा से भी इन्हें मुक्ति मिली है, क्योंकि 10 से 12 हजार रुपए की कमाई हर महीने कोई कम बड़ी बात नहीं है। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना फूल की खेती की जाए। हम लोगों ने 3 एकड़ में फूल लगाया, गुलाब है, ग्लेडियस है, रजनीगंधा है, जरबीरा है और भी बहुत सारे तरह के फूल लगाए हम लोगों ने। बाहर में जो हम लोग 10-12 हजार रुपया कमाते हैं, सोचते यहीं पे क्यों ना हम लोग मेहनत करें, यहीं पे 10-12 हजार रुपये से ज़्यादा कमा सकते हैं और गांव के जितने भी बेरोजगार लोग हैं, लड़के लोग हैं, वो लोगों को भी कुछ काम मिल जाएगा। वो लोग कह सकते हैं कि माटी से बड़ी कोई चीज़ नहीं। युवाओं ने समझा माटी का मोल, माटी से उठ रही है मैं। अपनी माटी में मेहनत और मजदूरी से बड़ा सुख शायद इन्हें कहीं नहीं मिल सकता, क्योंकि सालों से बेकार बीमार पड़ी जमीन को हरियाली मिल गई और किसानों को जिंदगी जीने का मकसद। सब कोई छोड़ते जा रहे हैं खेती को, सब बाहर जा रहे हैं, तो जमीन तो बंजर हो रही है, तो इसीलिए हम लोग ने सोचा कि चलो किसी को तो शुरुआत करना पड़ेगा, तो हम ही लोग शुरुआत कर रहे हैं। युवा लोग ही विकास ज्यादा होगा, गाँव का भी विकास होगा और युवाओं में एक भावना जगेगी, जिससे बाहर जाने की जरूरत नहीं। व्हाट्सएप जितना समय देता है फूल में देने के बाद या खेती में देने के बाद उतना ही विकास ज्यादा होगा, उतना पैसा भी इनकम होगा और नाम भी रोशन होगा। देवघर में बाबा मंदिर है जहां फूलों की बड़ी खपत होती है, यानी मांग की कमी नहीं, आपूर्ति के साधनों की भी कमी नहीं, बस सोच की कमी थी, वो युवाओं के इस कदम के साथ आगे बढ़ रही है। दीप नारायण दुबे, जी मीडिया, देवघर। झारखंड में सरहुल और रामनवमी की तैयारी को लेकर मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी ने प्रोजेक्ट भवन में बैठक की। बैठक में झारखंड के DGP सहित अन्य आला अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के उपायुक्तों ने बैठक में हिस्सा लिया। मुख्य सचिव ने रामनवमी और सरहुल के दौरान सूबे में कई कानून व्यवस्था बहाल रखने के निर्देश दिए हैं, साथ ही शांति समिति की बैठक के जरिए तालमेल बनाने की सलाह दी। हजारीबाग के सदर अस्पताल में मरीजों के लिए तकरीबन सारी सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन अस्पताल की बहुमंजिला इमारत ने मरीजों को ऊपरी मंजिल तक जाना जोखिम में डाल सकता है और जान जोखिम में डालकर ये लोग यहां जाते भी हैं, क्योंकि इस इमारत में जो लिफ्ट लगी है वो लिफ्ट कई महीनों से खराब है और इसे देखने वाला कोई नहीं है। ऐसी हालत में किसी तरह मरीजों को ऊपरी मंजिल तक ले जाया जाता है। हालांकि मरीजों के परिजनों ने भी कई बार की शिकायत की, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई। और दिल्ली की तस्वीर आपको हम दिखाने जा रहे हैं, जहां SSC के छात्र राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां SSC के छात्र राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। आपको बता दें कि SSC के छात्र पिछले काफी लंबे दिनों से हंगामा कर रहे थे,
अपनी कई मांगों को लेकर ये छात्र हंगामा कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि वो हंगामा किसी को परेशान करने वाला प्रदर्शन नहीं था, शांतिपूर्ण ढंग से ये प्रदर्शन किया जा रहा था। लेकिन इन सब के बीच इस पूरे मामले पर राजनीति भी गर्म थी और अब फिर तस्वीरें सामने आ रही हैं। राहुल गांधी छात्रों के बीच पहुंचे हैं छात्रों से मुलाकात करने के लिए। एसएससी के परीक्षार्थी हैं जिनसे मिलने के लिए राहुल गांधी वहां पर पहुंचने वाले हैं। बस थोड़ी देर में राहुल गांधी पहुंचेंगे, एसएससी के छात्रों से मुलाकात करेंगे, क्योंकि एसएससी पेपर लीक मामले के अलावा कई ऐसे मामले हैं जिसपे छात्र सुरक्षा चाहते हैं, जिसपे छात्र सरकार से वादा चाहते हैं। लेकिन सरकार ने पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश तो कर दी है, जांच शुरू भी हो चुकी है, लेकिन कई ऐसे मामले हैं जिनमें अभी भी छात्र ये चाहते हैं कि सरकार इस पर उचित कदम उठाए जिससे उन्हें न्याय मिल सके। बढ़ते हैं आगे। जमशेदपुर के एक छात्र ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। नासा के जरिए सूर्य ग्रह पर जाने वाले यान के चिप में छात्र अनिकेत का नाम दर्ज होगा। दरअसल नासा की तरफ से दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर देने पर इसे ये उपलब्धि मिली है। अनिकेत को प्रमाण पत्र मिला है। अनिकेत जमशेदपुर में 11वीं का छात्र है। इसने अपने मोबाइल में नासा की साइट पर जाकर नासा के वैज्ञानिक शोध संस्था के 3 प्रश्नों का उत्तर दिया था। इससे छात्र बेहद खुश हैं, साथ ही इसके परिजन भी उत्साहित हैं। नासा का ट्विटर पेज फॉलो करता हूं, उसमें मैंने देखा कि पार्कर 16 प्रोब का ये दिया हुआ है कि डिस्क्रिप्शन की, अगर आप चाहते हो ये कि आपका नाम जाए तो आप नाम अपना सेलेक्ट करिए, लॉगिन करिए और देखिए, अगर होता है तो आप भी आपका नाम भी जाएगा। तो हम किए, तो पहले तो लगा कि नहीं होगा अपना, दुनिया में पूरा मेरा कहाँ से होगा। फिर कुछ 8 तारीख को जब मुझे मेल आया कि हो गया है तो आपका, तो हम बहुत खुश हुए कि अच्छा मेरा भी हो गया। दूर तक जाने का तो अभी फिलहाल नहीं सोचे थे, हाँ जिसमें ये देखते थे कि इसमें जिज्ञासा है, कुछ ना कुछ ये हमेशा ढूंढता रहता था, अच्छा लगता था देख के, और ये आया है तो लगता है कि हाँ ये सही रास्ते पे है और अच्छा मेहनत करेगा तो और अच्छा आगे बढ़ेगा, और एक विश्वास है क्योंकि इसको शुरू से देखते हुए आए हैं, इसके साथ रहते हैं, मेरी गार्जियनशिप में है, तो देखते हैं कि कभी कोई गलत नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये उम्मीद है कि वो गलत रास्ते पे नहीं जा रहा है, फिर भी हम लोग इस पे ध्यान रखते हैं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत अल्बर्ट एक्का जारी प्रखंड में ODF करने के लिए पूरे इलाके में राजमिस्त्री को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अल्बर्ट एक्का जारी प्रखंड के सभी पंचायतों में समन्वयक, यूनिसेफ और प्रखंड विकास पदाधिकारी घूम घूम कर गांव के मिस्त्रियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं ताकि अप्रैल तक प्रखंड को ODF किया जा सके। इसके लिए गांवों में लोगों को ट्रेनिंग के साथ ही जागरूक भी किया जा रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद देखिए झारखंड में डिजिटल हो रही ग्रामीण महिलाएं। जी बिहार झारखंड पर डिकोड होगा करप्शन का कोड, ऑपरेशन किलिंग कर शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केंद्र सरकार और झारखंड सरकार के प्रयास से ग्रामीण महिलाएं अब पूरी तरह से डिजिटल हो रही हैं। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अब बैंकों के लेन देन अपने मोबाइल से करेंगी। घाटशिला में ई शक्ति अभियान के तहत ग्रामीण महिलाओं को डिजिटल बनाने के लिए स्मार्टफोन दिया गया। झारखंड की महिलाएं अब विकास की रफ्तार में अपनी भागीदारी तेजी से बढ़ा रही हैं और उनके इस प्रयास में झारखंड सरकार का पूरा साथ मिल रहा है। ग्रामीण महिलाओं को स्व सहायता समूह से जोड़ा गया है और आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें पूरी तरह से डिजिटल किया जा रहा है, जिससे ये महिला समूह और इसके ग्रामीण महिला सदस्य बैंकों से मिलने वाली आर्थिक सहायता और अपने मुनाफे का लेखा जोखा अपनी उंगलियों पर रखेंगे। बैंक को आप आवेदन ऑनलाइन भेज सकते हैं,
भी ऑनलाइन कर सकते हैं, अपने लोन का स्टेटस भी हम ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी शक्ति प्रदान करेगी महिला सहायता समूह। बार बार बैंक जाने की आवश्यकता नहीं, घर पर सारा काम कर सकते हैं। हम इंफॉर्मेशन कंप्यूटराइजेशन के माध्यम से हो रहा है, डिजिटाइजेशन हो रहा है, और उसमें SHG का जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, उनका जो बुक्स कीपिंग वगैरह होता है, सब डिजिटाइज हो रहा है। उसके माध्यम से बैंकर्स, SHG, सभी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सबको फायदा मिलेगा। ई शक्ति अभियान के तहत महिलाओं को स्मार्टफोन दिया गया, जिससे महिलाओं का आत्मविश्वास और बढ़ गया है। सरकार की इस पहल से महिलाएं डिजिटल होंगी और बिचौलियों से ठगे जाने का डर भी खत्म हो जाएगा। सभी लोग देख सकते हैं कि ये सबों का लेन देन सही है या उपस्थिति ठीक है, या सारा चीज जो भी डाटा, जैसे कि ऑनलाइन सारा चीज हो रहा है तो उसमें जो सुविधा है, जैसे कि हम अपना बैंक बैलेंस खुद ही कोड नंबर ये करके जान सकते थे, तो उसी तरह SHG भी अगर चाहे तो अपना जांच कर सकते हैं कि आज बचत में मेरा कितना पैसा जमा हुआ और लोन में कितना जमा हुआ, ये सारा चीज खुद को भी पता होगा, बैंक को भी पता होगा, और ऊपर से जो हमारा नवाड है उसको भी पता होगा। लोन के लिए मतलब ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। मैसेज के द्वारा हम लोग का लोन बैंक वाला भी मैसेज देख करके बुला लेंगे कि समूह वाला फला समूह आ जाइए, आपको लोन का मतलब जरूरत है। अधिक से अधिक फायदा होगा और प्लस मतलब परेशानी कम होगा। सारा डिटेल बैंक में ये होगा, आधार कार्ड और वोटर कार्ड, मनरेगा वाला जो भी मैसेज का द्वारा सारा डिटेल मिल जाएगा कि ये मनरेगा वाला मतलब पेमेंट हुआ है। सरकार का मकसद है कि महिलाओं को भी स्वरोजगार से जोड़ा जाए, जिससे वो आत्मनिर्भर हो सके और झारखंड के विकास में अपनी भागीदारी को और बढ़ा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।